दोस्तों चारों तरफ जो देखेंगे ना आप, वो जंगल ही जंगल है। यहाँ पे सिर्फ एक यही रास्ता दिख रहा है मुझे, और कोई रास्ता नहीं दिखा। ये है दोस्तों ऊपर का रास्ता, बड़ा खतरनाक रास्ता है क्योंकि दोस्तों ऊपर कुछ। तो दोस्तों एक और खूबसूरत ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं 14वीं सदी के मोहम्मद बिन तुगलक का जो महल था दोस्तों, जिसे विजय मंडल के नाम से जाना जाता था, उसी महल को दिखाने हम लोग आए हैं। पूरा महल आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, एंड तक देखना दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको महल दिखाते हैं। दोस्तों ये है विजय मंडल जो आपको दिख रहा है। अब इसके बाद मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। बाहर जब आप आएंगे इसके बाहर, तो इसके पास में यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, तो इस पर हिस्ट्री लिखी हुई है, आप इसमें दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बाकी मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको, तो सारा आपको बताऊँगा इसके बारे में, और बाकी कुछ हिस्ट्री आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये है इसका मेन गेट, इसके अंदर से हम लोग चलेंगे। लोहे का गेट लगा रखा है इस तरीके का, तो इसके बाद मैं आपको अंदर लेके आ गया हूँ। उसके बाद मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसकी। ये इंटर करने के बाद इस तरीके का आपको व्यू दिखेगा। जैसे दोस्तों तुगलक वंश में आपने देखा हो, तुगलकाबाद का किला है या आदिलाबाद का किला है, उसमें भी स्टार्टिंग में जो दीवार स्टार्ट हो जाती है बाहर से, उसी तरीके की कुछ दीवार यहाँ पर ही बनी हुई है। चलिए मैं आपको अंदर से बाकी और चीज़ें दिखाता हूँ, और इसके बारे में और भी बताऊँगा दोस्तों। तो हम लोग ये सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, इस सीढ़ियों की मदद से अंदर चलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ इसके और चीज़ें। चलिए हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और चलते हैं। दोस्तों 14वीं सदी में जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जापना सिटी बनाई थी, उस सिटी के अंदर ही है विजय मंडल, जो उन्होंने अपने महल के लिए बनाया गया था, और बताते हैं 1000 स्तंभों पर बनाया गया है। दोस्तों ये है स्टार्टिंग का पार्ट, जो अब इसके पीछे की तरफ जो है दोस्तों मैन बना रखा है विजय मंडल। विजय मंडल मैं दिखाऊंगा उसे, उसकी दीवारें अभी आप देख सकते हैं, अब तो काफ़ी हद तक डैमेज भी हो गया है। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी बन रखी हैं, ये देख सकते हैं आप। बाकी मैं आपको अंदर भी लेके चलता हूँ और अंदर से भी दिखाता हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग में जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको इन हरी भरी झाड़ियों से स्वागत होगा आपका। उसके बाद विजय मंडल की आपको जो खूबसूरती है, जो एक टाइम में 14वीं सदी में जो दोस्तों इसकी खूबसूरती वो पूरी नहीं दिख पाएगी, पर जो भी है आज के टाइम का वो आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले ये झाड़ियाँ पार करते हैं हम, और झाड़ियाँ पार करने के बाद दोस्तों उसके बाद सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में एक मज़ार दिखेगा दोस्तों, जो अंदर ही बना हुआ है आप देख सकते हैं, और उसके राइट हैंड पे इस तरीके का बना हुआ है। ये काफ़ी सारे इसमें गेट बना रखे हैं, ये देखिए देख सकते हैं आप, 5 गेट बने हुए हैं इसमें, जो आर्च की शक्ल में है, और इस तरीके का पहाड़ी के पत्थर से इसका यूज़ किया गया है। और इसके ऊपर आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं, इस तरीके की डिज़ाइन है। और अंदर से आप जो दोस्तों देखेंगे तो अंदर से अभी ये पूरा टूट चुका है। ये देखिए ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो पूरी छत ये गायब है, सिर्फ इस तरफ की छत रह गई है। चलिए हम मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर से दिखाता हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे अंदर चल रहे हैं, और सामने आपको इस तरीके का सामने आपको दोस्तों ये मज़ार दिख जाएगा। मज़ार के बाद आपको एक इस तरीके की शक्ल में एक मोन्यूमेंट दिख जाएगा। अब सामने हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों, और ये जो है पूरी झाड़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे पूरा जंगल टाइप का बना हुआ है। उस जंगल के अंदर से हम लोगों को निकलना पड़ेगा, फिर सामने आपको जो इसका विजय मंडल है मोहम्मद बिन तुगलक का, जो 4th सिटी में बना था जापना सिटी में, उसी में हम आपको अंदर दिखाएंगे। और ये देखिए ये रास्ता इस तरीके का बना हुआ है दोस्तों, इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, जो इस तरीके का रास्ता बना हुआ है, और कोई रास्ता तो हमें दिखा नहीं, जो जंगल की तरफ से हम ये रास्ता जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और आगे भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ से नीचे जाने के लिए, ये देखिए यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। दोस्तों चारों तरफ जो देखेंगे ना आप, वो जंगल ही जंगल है। यहाँ पे सिर्फ एक यही रास्ता दिख रहा है मुझे, और कोई रास्ता नहीं दिखा। बाकी इसके पीछे दोस्तों रास्ता हो सकता है, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में आए थे तो वहाँ भी एक गेट लगा हुआ था, पर वो बंद था, और हमें जो ये गेट दिखा था वो ये वाला गेट है। चलिए हम अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको। जहाँ भी देखेंगे अभी दोस्तों आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। ये देखिए आप चाहे राइट हैंड पे देखें चाहे लेफ्ट हैंड पे देखें, आपको जंगल ही जंगल दिखेगा, अभी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे और ऊपर से आपको विजय मंडल है जो वो दिखाने वाले हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं।
दोस्तों झाड़ियाँ देख रहे हैं आप कितनी बड़ी बड़ी हो रखी हैं, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये इस तरीके का कुछ बना हुआ है, दीवारें दिख गई हैं हमें, इतनी इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं दोस्तों, ये दिख चुकी हैं। और विजय मंडल का जो हमें मोनूमेंट है वो सामने दिख चुका है, वो देखिए सामने दिख रहा है आपको, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद हम ऊपर चलेंगे और आपको ऊपर दिखाने वाले हैं, चलिए चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको। अभी तो दोस्तों अभी भी ये पूरा जंगली जंगल दिख रहा है अभी भी, ये देखिए इधर भी जंगली है अभी, चलते हैं फिर ऊपर और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग आ गए हैं और हमें शायद यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता मिल जाए। इस तरीके का ये बना हुआ है, ऊपर एक गुम्बद है और ये बाकी पूरा स्ट्रक्चर टूट रखा है, देख सकते हैं आप। हम अंदर आ चुके हैं दोस्तों, अंदर आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। और अंदर जैसे ही आप आएंगे देखिए चारों तरफ देखेंगे आपको दरवाजे दिख जाएंगे, आर्च की शक्ल में इस तरीके के बने हुए दरवाजे। ऊपर एक बड़ा सा गुम्बद है दोस्तों, ये देखिए इतना बड़ा सा गुम्बद है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। इसके बाद हम ऊपर लेके चलेंगे आपको और ऊपर से दिखाएंगे विजय मंडल। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे से, ये देखिए इस तरीके का बना हुआ, दो तरफ से रास्ता दिख रहा है, एक इधर भी दिख रहा है और एक इधर से भी दिख रहा है। अब देखते हैं दोस्तों कौन सा रास्ता ऊपर जा रहा है, फिर हम आपको दिखाएंगे। चलिए इस रास्ते चलते हैं और इस रास्ते से ऊपर दिखाएंगे। ये देखिए हम लोग आ गए हैं ऊपर और दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला था इसमें दो गेट हैं, एक तो मैं जिससे आया हूँ वो गेट है और एक इसके पीछे की तरफ सोसाइटी की तरफ आपको एक गेट ये दिख रहा होगा। ये देखिए उस टाइम जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे दोस्तों तो ये वाला गेट बंद था, अभी खोल दिया गया है, ये देखिए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, चलते हैं ऊपर, रास्ता ढूंढने हैं दोस्तों, रास्ता मिल नहीं रहा है किस तरफ है ऊपर जाने का, क्योंकि जिस रास्ते से हम ऊपर चढ़े थे वो रास्ता ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था, दीवार टूटी हुई थी। जैसे ही रास्ता मिलता है दोस्तों हम लोग ऊपर आपको लेके चलते हैं। एक रास्ता दोस्तों ये वाला जा रहा है, हाँ दोस्तों ये वाला रास्ता हमें मिल चुका है और चलते हैं हम लोग ऊपर और दिखाते हैं आपको। ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों, आपको सामने गेट खुला हुआ मिल जाएगा, तो इसी रास्ते चलते हैं। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद हमें ये रास्ता मिल चुका है, अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको। विजय मंडल हमें मिल गया है दोस्तों, जो 14वीं सदी का बना हुआ है जापना सिटी के अंदर। पहले एक ये दरवाजे के अंदर दोस्तों इस तरीके का है, अंदर भी चलेंगे हम, पहले हम इसका बाहर के आसपास का देख लें उसके बाद दोस्तों अंदर भी चलेंगे। जापना सिटी में बना हुआ है दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई, ये सिटी बनाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये देखिए यहाँ भी इस तरीके गए जीना है, उसके बाद हम ऊपर आ गए, यहाँ से दिखाते हैं। और इस तरीके का बना हुआ है, बाकी हम कोशिश करते हैं सामने दिखाएं। और एक जो स्टार्टिंग में हमें गेट मिला था उसके ऊपर भी चलेंगे दोस्तों और वहाँ से भी दिखाएंगे। अभी ये दिल्ली के मालवीय नगर में, जो आज की दिल्ली है और 14वीं सदी में जब बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो उस टाइम दोस्तों जापना सिटी जो थी दोस्तों उसमें ही बनाया गया था। अब मैं आपको इस तरफ से अंदर लेके चलता हूँ और उसके बाद मैं आपको ऊपर भी लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ से आप अंदर चलेंगे, ये देखिए यहाँ से हम आ चुके हैं, एक गेट यहाँ से भी है, ये देखिए यहाँ से भी एक गेट है। और इंटर करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है यहाँ पे, ये देखिए पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी ऊपर का हिस्सा था ये पूरा टूट चुका है, ये देखिए पूरा टूट चुका है ये वाला, बड़े बड़े पिलर जो है गिरे पड़े हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए। और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। पहले जब मोहम्मद बिन तुगलक थे तो उन्होंने ही ये विजय मंडल जो महल है वो बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सिटी थी जापना सिटी उसी के अंदर उन्होंने एक फोर्ट भी बनाया था दोस्तों, आदिलाबाद का किला। और उसी तरीके के दोस्तों एक इन्होंने महल बनाया है जो जापना सिटी के अंदर ही है, जो आज का मालवीय नगर है उसमें बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दोस्तों ऊपर भी लेकर चलता हूँ और ऊपर से भी दिखाता हूँ। चारों तरफ देखेंगे दोस्तों आप तो जंगली जंगल है, ये देखिए इस तरफ भी पूरा जंगली जंगल है,
हालांकि जंगल पार करेंगे तो सोसाइटी आपको मिल जाएंगे, पर जो ये एरिया पूरा दोस्तों है जिसमें पूरा विजय मंडल बना रखा है, ये पूरा जंगल के अंदर ही है। स्टैम चारों तरफ जंगल ही दिखेगा आपको, वैसे कोई ज़्यादा बड़ा जंगल नहीं है, छोटा सा ही है, पर लेकिन आसपास के सोसाइटी आपको दिख जाएगी। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, और अंदर से तो आपने देख ही लिया है, बस ये वाला जो पार्ट है यही वाला पार्ट बचा हुआ है जिसकी छत बची हुई है, बाकी जो पूरा एरिया है वो टूट चुका है। चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और ऊपर से भी दिखाऊंगा। अब मैं दोस्तों आपको ऊपर लेके जाने की कोशिश करूँगा, उससे पहले आप देखेंगे इस तरीके का एक गड्ढा बना हुआ है जो इस महल के ऊपर ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब किस यूज़ के लिए, पर्पज़ के लिए बनाया गया होगा ये कोई आइडिया नहीं है। अब मैं एक रास्ता यहाँ से दिख रहा है दोस्तों, शायद ये रास्ता ऊपर जाने के लिए हो, तो चलिए हम देखते हैं ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि एक तो गेट हमें बाहर से भी दिखा था दोस्तों, पर हमें पक्का नहीं पता कि वो रास्ता है या नहीं है। तो यहाँ पे तो दोस्तों कोई रास्ता नहीं है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, तो ढूंढते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये एक दरवाज़ा जा रहा है अंदर, तो जो ऊपर जाने का जो रास्ता है दोस्तों वो देख सकते हैं आप, वो ऊपर जाने का रास्ता इस गेट से ही है, बाकी कहीं नहीं मिला, एक ही एक रास्ता है। तो हम लोग चलते हैं इस गेट से और ऊपर आपको दिखाएंगे ऊपर का व्यू, ऊपर का क्या नज़ारा है, क्या खूबसूरती ऊपर की। अभी आप ये देख सकते हैं ये जीना जा रहा है, इस जीने की हेल्प से हम जा रहे हैं ऊपर, और काफ़ी अंधेरा पड़ा हुआ है दोस्तों, ऊपर से हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। आ गए हम लोग ऊपर, हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और ये देखिए इस तरीके का आंगन बना हुआ, और ऊपर है विजय मंडल। चलिए सामने आप गुम्बद देख सकते हैं, जो हम नीचे स्टार्टिंग में थे हम, वो गुम्बद है वो, उसके बाद ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर भी दिखाते हैं आपको। जीना है ये दोस्तों, इस तरीके के बने हुए हॉल टाइप के, और उसके बाद ऊपर हम आ गए हैं, हम यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से हम आ रहे हैं दोस्तों, ये गैलरी बनी हुई है, ये गैलरी के बाद आप जब आएंगे, ये देखिए ये अंदर का एरिया है, इसके अंदर भी दिखाएंगे हम लोग जब आप आएंगे, तो इस तरीके का व्यू दिखेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये जो है ये वाला गुम्बद है दोस्तों, जो हम नीचे हम आपको दिखा रहे थे वो ये वाला गुम्बद है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ से देख सकते हैं क्या व्यू है यहाँ का, और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत व्यू है दोस्तों। और यहाँ की दोस्तों कोई टिकट नहीं है, फ्री है बिल्कुल, आप आ सकते हैं। और मैं आपको सामने भी लेके चलता हूँ, ये सामने का व्यू है, और उसके आसपास जो चीज़ें हैं वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए ये बना हुआ है विजय मंडल का ऊपर का एरिया, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। इसमें काफ़ी सारी कांच की बोतलें वगैरह पड़ी हैं इसमें, और अंदर मैं आ चुका हूँ, अंदर से आप इस तरीके का देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके का बना हुआ है अंदर से। और शायद दोस्तों इसके ऊपर भी है जाने का रास्ता, मैं देखता हूँ इसके ऊपर अगर जाने का रास्ता है तो मैं ऊपर से भी दिखाता हूँ आपको, बाकी आप बाहर से तो इस तरीके का देख सकते हैं। ये देखिए ये है नज़ारा, तो चलिए मैं आपको ऊपर का देखता हूँ, अगर रास्ता होगा ऊपर दोस्तों तो ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ अगर इसका रास्ता है, क्योंकि मुझे दिखाता दोस्तों, ये दोस्तों ये है रास्ता, ये देखिए ये रास्ता बना हुआ है ऊपर जाने का, ये देखिए ये रास्ता है, और मैं दिखाता हूँ ऊपर जाके, इस तरीके का रास्ता है दोस्तों ऊपर का, ये देखिए दोस्तों ये है दोस्तों ऊपर का रास्ता, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, क्योंकि दोस्तों ऊपर कुछ है ही नहीं, रेलिंग वगैरह कुछ लगी नहीं है, और इस तरफ एक तरफ की इस तरफ ढलान है इसकी, पीछे की तरफ ऐसा लग रहा है पीछे की तरफ गिरने वाला हो जैसे, ये देखिए आप ये ऐसे देखेंगे तो ये मेरी तरफ ही झुकाव है इसका। तो चलते हैं दोस्तों ऊपर से आपको दिखाते हैं, ये मैं दोस्तों आ गया इसके टॉप फ्लोर पे, यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके का बना हुआ है, और इसके आसपास का पूरा एरिया देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। इसके ऊपर आने के लिए दोस्तों चारों तरफ से है, पर लेकिन कुछ जगह पे बंद कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे भी था बंद कर रखा है, यहाँ पे भी था बंद कर रखा है। तो दोस्तों ये था विजय मंडल, जो हमने पूरा आपको दिखा दिया है,
जो दिल्ली की चौथी सिटी थी, जो दोस्तों झापना थी सिटी, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, उस सिटी के अंदर बना हुआ है जो आज का मालवी नगर है। हमने आपको पूरी वीडियो दिखा दिया दोस्तों, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी वीडियो हम जब भी अपडेट, जब भी वीडियो हम दोस्तों ऐसी बनाएं आप तक अपडेट पहुंच जाए। और हमें ऐसी सपोर्ट करते रहना ताकि हम और वीडियो आपके साथ लाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी खूबसूरत वीडियो में। अपना ध्यान रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।